छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी तो मैं आपसे कहता था, आप बताते थे। तो बड़प्पन है आपका, आज के टाइम पे इतना टाइम थोड़ी कोई किसी के लिए निकालेबल है कि आप कोर्स परचेज करके अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओ, तो आप जरूर परचेज करें। और ये अच्छे लोग हैं, मैं इनसे डायरेक्टली नहीं भी जुड़ा रहा तो भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि जी सब जितने सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी हिस्टोरिका की, मैं उससे जुड़ा रहता था, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस नमस्कार कराते साथियों, थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज टॉपर स्टॉक के इस लंबे से सीरीज में, जिसमें आप कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे, एक अन्य और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान, बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पिरेंट सत्यम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी को जानने का प्रयास करेंगे, और कहाँ उनका एडमिशन हुआ है, कितने मार्क्स लाए, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, ये सारी बातें जो है वो आपको आज के इस सेशन में पता चलने वाला है। तो एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, आराम से जो है वो इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसे आप भी अपनी जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सत्यम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया, थैंक यू कि मुझे आपने मौका दिया इस टॉपर टॉक सीरीज में आकर के अपने विचारों को, अपनी जर्नी को रखने के लिए सबके सामने। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम सत्यम कुमार मंडल है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरी की है, और मेरा सब्जेक्ट था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, और मेरे CUT में 151 मार्क्स आए हैं, और मेरा सिलेक्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जिसे DMC बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इसमें हुआ है। क्या आपका एडमिशन AIHC में हुआ है, AIHC डिपार्टमेंट में या हिस्ट्री डिपार्टमेंट? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मेन कैंपस। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में ऐसे जेन्युइनली आता है कि AIHC से पढ़ाई करना, यानी ऐसे आर्कियोलॉजी पढ़ना, क्या क्या कैसे आर्कियोलॉजी एक्सकेवेशन जी करते हैं और ये सारी चीजें, केवल एंशियंट का पोर्शन और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो रहता है आप में, तो उसके जी अलावा जी मिडाइवल पढ़ना, मॉडर्न पढ़ना, ये कितना आपके लिए कठिन था, या फिर आप पहले से ही इस चीज को प्रिपेयर करते आ रहे थे? यानी ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन को सम अप करूं तो आपने तैयारी को कितना समय दिया और क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? जी मुझे पहले से पता था कि मुझे AIHC मांग के कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैंने ये डिसीजन लिया था दुर्गा पूजा के बाद, आई थिंक अक्टूबर के बाद, कि मुझे अब अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो मैं जब यूट्यूब पे गया, मैंने देखा कि कैसे तैयारी वगैरह, CET PG को लेकर के मैंने लेक्चर वगैरह सर्च किए, तो मैंने देखा कि BHU वाले द हिस्टोरिका करके एक चैनल है, तो वो उन्होंने अच्छा खासा प्रिपरेशन वगैरह कराया है, और सत्यपाल सर के गाइडेंस में जो है उन्होंने अच्छा करिकुलम, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने देखा उनका। तो फिर वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू की, और मैंने पहले बेसिक बुक्स उठाए, जैसे बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और रोमिला थापर की जो अर्ली इंडिया आती है, वो ये मैंने पढ़ा शुरू शुरू, क्योंकि मुझे पता था कि अभी 3-4 महीने हैं, तो कोई भी चीज़ अगर शुरू करना है तो बेसिक और जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं वो सबसे बेस्ट मटेरियल होते हैं। तो मैंने उसी को चुना और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि अभी मेडिवल हिस्ट्री मेरे लिए न्यू है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, तो मैंने स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री से किया। मैंने लाइन बाय लाइन बिपिन चंद्रा पढ़ा, उसके बाद फिर सतीश चंद्रा, थोड़ा बहुत बोरिंग था लेकिन उसे भी मैंने नी हाओ पढ़ के खत्म किया, और एंशियंट हिस्ट्री तो मेरा पहले से था ही, तो थोड़ा बहुत मैंने रोमिला थापर का अर्ली इंडिया पढ़ा। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, उसी टाइम पे मुझे सबने, सीनियर्स ने, इवन दो कि विष्णु भैया ने भी ये बात बहुत बार बोली है कि आप कितना भी बेसिक बुक से पढ़ाई कर लीजिए, वो तो सही है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए इन सब चीजों को लेकर के। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी हिस्टोरिका की, मैं उससे जुड़ा रहता था, जो फैक्चुअल क्वेश्चन कराते थे, जी जैसे दिल्ली सल्तनत वगैरह का 100-100 क्वेश्चन होता था एक सीरीज में, मैं एक एक क्लास किया मैंने मेडिवल हिस्ट्री का। तो वाह, मैं आपको बताऊंगा कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे था, आप मान के चलो कि अगर मेडिवल हिस्ट्री से 20-25 क्वेश्चन आया होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10-12 क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट था, और आप क्या अगर बात, इनडायरेक्टली आपने अगर ऑप्शन एक्सप्लोर किया होगा कि हाँ ऑप्शन 1 ये है तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन 2 है तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उससे तो मुझे फायदा हुआ ही, जो बचा कुचा था एक्सपीरियंस और ये वो, तो वो BHU वाले ऐप के थ्रू मैंने सत्यपाल सर की लाइव क्लासेस अटेंड की, उससे भी मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ, और धीरे बस जर्नी चलती गई, टेस्ट देता गया मैं, टेस्ट में अप एंड डाउन मार्क्स आते गए, मैं तो आपसे बातें भी करता था कि भैया कैसे इम्प्रूव करूँ, बहुत बड़ा डिमोटिवेशन भी फील होता था,
कैसे चीजों को ठीक किया जाए। कभी कभी लगता था कि मेरा डोमेन ही पूरा अलग है, मेडिवल पूरा अलग है, मॉडर्न पूरा अलग है, पता नहीं मैं से हूँ। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि जैसे मेरा मेडिवल हिस्ट्री जो था, मैं मुझे ये पहली बार पढ़ना था और मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग भी था नहीं, तो मैं वो जो यूट्यूब पे विष्णु भैया क्लासेस कराते थे डेली सल्टनेट का, 100 क्वेश्चन का जो सीरीज होता था वो मैं रेगुलर देखता था और उससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा भी हुआ। और उसके जनरली आप अगर ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते थे। और जहां तक कि देखा जाए टेस्ट सीरीज से भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मुझे क्या, आई थिंक जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, फ्री और पेड जो भी है, मुझे यही लगता है कि अगर मैं इनिशियल स्टेजेस में तभी डिसीजन लेकर के हिस्टोरिका का कोर्स परचेज कर लेता तो मुझे लगता है कि आज मैं JNU में जरूर होता क्योंकि स्कोर 151 तक आई और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल लैकनेस थी, उसके वजह से कुछ क्वेश्चन छूटे और प्रैक्टिस वगैरह की भी और ज्यादा जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता तो रिजल्ट और भी बेहतर होता। सत्यम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने चूंकि शुरुआत में ऐसे बस बुक्स के थ्रू जो है वो आप आगे बढ़े, क्या आपको लगता है कि अगर जी कोई बच्चा कोर्सेस परचेज करना चाहता है और कोर्सेस के थ्रू जाकर के पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो द हिस्टोरिका या कोई किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकता, क्या ये अच्छा रहेगा आपके लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहेगा। देखिए हर एक बच्चे का कैलिबर अलग होता है और मुझे सीनियर्स ने पहले से बोला था कि बुक पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें जैसा बेटर लगे फिर वो तुम चूज करना। मुझे लगता है कि अगर कोई आपके सीनियर्स या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म जो बेटर नॉलेज रखते हैं सब्जेक्ट को लेकर के, आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि पूरा साल है कि आप बैठ करके अच्छे से एक एक चीज पढ़ो, उसके बाद एनालाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन करो। तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि आप कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, ऑप्शन कैसे डालने चाहिए क्वेश्चन में, टेस्ट सीरीज में ऑप्शन कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, कैटेगरी कैसे होनी चाहिए क्वेश्चन की, तो उनके पास ये एक्सपीरियंस होता है। तो बेटर रहेगा कि उन्हें परचेज करना चाहिए, अगर वो केपेबल है तो उन्हें जरूर परचेज करना चाहिए। लास्ट डेज की आप प्रिपरेशन थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जान रहे हैं, तो लास्ट समय का जो प्रेशर होता है, जो एग्जाम प्रेशर होता है, जो सिलेबस कंप्लीट ना होने का प्रेशर होता है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? और फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसके बाद हम इस सेशन को एंड अप करेंगे। सत्यम, बिल्कुल, लास्ट डे का प्रेशर हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे पे रहता ही है, सभी बच्चे फील करते हैं इस चीज को। लेकिन इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अगर अपना प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको कभी भी इन चीजों को उतना लोड नहीं होता। आपको रहता है कि चलिए मेरा मॉडर्न का थोड़ा पोर्शन छूटा हुआ है बट मैंने मेडिवल एंशियंट कंप्लीट किया हुआ है, तो हमेशा अर्ली स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ लास्ट डे में प्रेशर रहता है, टेस्ट देते हैं आप, उसके बाद आपके मार्क्स, ऐसा जरूरी नहीं कि हर टेस्ट में अच्छे रहे, किसी में नेगेटिव होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने मेंटर, जैसे मैंने तो आपसे ही बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो आप इनसे बात करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को यूज करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप बात करते थे, उसके बाद क्या आपको असर होता था या क्या चीजें होती थी वो थोड़ा सा डिस्कस करिए। कितने मार्क्स आपके हाईएस्ट और लोएस्ट हुए थे? बात करने के बाद मुझे ये लगता था कि सबसे पहली बात तो एक पॉजिटिविटी आती थी कि अब अगर एक ऐसे कोच या मेंटर वो आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो उन्हें एनालिसिस है ना कि अगर 500 बच्चे ने टेस्ट दिया तो उन्हें एनालिसिस है कि आपका स्कोर कैसा है या फिर आप किस जगह पे ठहर रहे हैं, उस बेसिस पे वो आपको बातें कहते हैं, तो आपको लगता है अच्छा उन्होंने मेरे को रिगार्ड किया या फिर उन्होंने मुझे अच्छा बोला, इट मीन्स मेरे में बात है, मुझे और बेटर करना चाहिए, मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। और मेरा सबसे लोएस्ट स्कोर 96 गया था और मेरा हाईएस्ट स्कोर गया था 230 जो कि लास्ट टेस्ट में था। वाह, लास्ट अमेजिंग। दोनों के बाद कैसा फील हुआ आपको? टेस्ट के बाद ये था कि अब कोई दिक्कत नहीं है, और सत्यपाल सर ने बड़ी अच्छी सी बात बोली थी क्लास में कि बंदूक सबके पास है, सबको पता नहीं है चलाने के बाद उसका असर क्या हो सकता है, तो बस वही चीज थी। चलाने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है या फिर कितनी आपके अंदर क्षमता है, वो आप जब पेपर दे के निकलोगे तब आपको समझ में आएगा। और पेपर में जब मैं बैठा था तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ, कुछ कुछ चीजें तो सर ने जो क्लास में डिस्कस की थी वो एकदम कान में गूंज रही थी। जैसे सर ने एक बात बोली थी क्लास में कि 1857 में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी, 3 विश्वविद्यालय भी खुले थे,
बॉम्बे में, कैलकाटा में, मद्रास में, ये क्वेश्चन एक ऑप्शन में एकदम सरासर छपा हुआ था। तो जब मैंने उस ऑप्शन को पढ़ा तो मैं मन ही मन मुस्कुराया कि एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सबसे और लोएस्ट भी मार्क्स बहुत था तो सारे। क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, उसका बताइए थोड़ा। हाँ, उस दिन लोएस्ट मार्क्स था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर बस वही होता है, फिर रैंक आती है, तो उससे भी आप समझते हो कि रैंक भी मेरी बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे गंदे मार्क्स नहीं आए थे, सबके गंदे मार्क्स आए थे। तो पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, और पेपर अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो ये भी है, तो इस वजह टेलीग्राम से आप क्विज का अपने आपने इस तरह। सहारा लिया था या नहीं, आपने अटेम्प्ट किया था? बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम क्विज तो आप देख सकते हो, वहां हर क्विज में पता नहीं कोई आए नहीं आए, लेकिन मैं जरूर आता था। क्या फायदा हुआ? और बहुत फायदा हुआ उससे। क्या होता था, सपोज आप मान के चलिए आज आपने क्विज अटेम्प्ट किया, आपके कम क्वेश्चन लगे, आपको एक अंदर से लगेगा कि अब मान के चलिए 60 70 80 100 बच्चे जुड़े हैं, आपके कम स्कोर बने, आपको एक लगता है कि मैं पीछे लैग कर रहा हूँ तैयारी में, आप मोटिवेट होते हो, पढ़ते हो। मैं क्विज के पहले भी पढ़ता था, क्विज के बाद भी पढ़ता था वाह। उस टॉपिक को लेकर के। तो यही सब फायदा हुआ। हालांकि मैं डायरेक्टली मैं पेड बैच में जुड़ नहीं पाया, उस टाइम पे थी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। एक बार मैं मतलब पे तो कर ही सकता था, लेकिन अगर पार्ट वाइज रहता तो मैं जरूर पे करके कोर्स खरीदता, लेकिन उस टाइम पे था नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं भी जरूर खरीदता। आज मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ और होता। लास्ट टाइम पे थोड़ा होता है आपके साथ कि आपका डे अच्छा बुरा वही वाला बात हो गया थोड़ा बहुत, और क्या। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बताना चाहिए था एटलीस्ट। कोई बात नहीं, खैर अब समय बीत चुका है ना, तो आगे आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ चलते चलते आप एक बार बता दीजिए कि आने वाले स्टूडेंट्स से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अभी अपना फिलहाल पीजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करना चाहूंगा, और उसके बाद फिर मैं आगे जाकर के अपनी नेट निकाल करके फिर मैं अपनी पीएचडी की जर्नी आगे बढ़ाना चाहूंगा। और आने वाले जो जूनियर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जब क्लासेस करें यूजी में, तो उसमें भी अच्छे से ध्यान देकर के अपनी पढ़ाई करें। और अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप कोर्स परचेज करके अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओ, तो आप जरूर परचेज करें। और ये अच्छे लोग हैं, मैं इनसे डायरेक्टली नहीं भी जुड़ा रहा तो भी इन्होंने ऐसा नहीं है कि कभी हेल्प करने से डिनाई किया, कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। और मतलब ऐसा रेयर ही है आज के टाइम पे कि आप अगर आप उनके पेड फॉर्म में नहीं जुड़े और वो आपको इतना टाइम दे, ऐसा रेयर ही हो पाता है। तो मेरे पास तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं आपसे कहता था, आप बताते थे। तो बड़प्पन है आपका, आज के टाइम पे इतना टाइम थोड़ी कोई किसी के लिए निकाल पाता है। चलिए सर, तब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, और हमें सुन करके अच्छा लगता है कि आप इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों की केयर करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और बिल्कुल आपने अपनी स्ट्रैटेजी को हमारे बच्चों के साथ साझा किया। तो दोस्तों ये थे सत्यम, जिनका एडमिशन जो है वो AIHC से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद AIHC यानी केवल एंशंट हिस्ट्री को छोड़ करके मिडाइवल के साथ साथ मॉडर्न को भी परस्यू किया, और आगे जाकर के अच्छा मार्क्स गेन किया बेसिकली, और BHU में एडमिशन जो है वो ये ले रहे हैं। इन्होंने कई सारी बातें जो है वो इस इंटरव्यू में बताई, जो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो हमारे कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप PG में CVT PG 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।